स्टेट हेड पीयूष कुमार ब्यूरो की रिपोर्ट। गायकी की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलक पर अपना जगह स्थापित करने वाले उस्मान मीर के गजल की धुन पर जमकर लुत्फ उठाए मोतिहारी के लोग। मौका था चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव का। आपको बता दें कि कोरोना त्रासदी में पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को नहीं किया जा सका, लेकिन अब एक बार फिर से मोतिहारी शहर में 2 दिवसीय चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। शहर के नगर भवन में आयोजित 2 दिवसीय इस महोत्सव के पहले दिन देश के ख्याति प्राप्त गायकों ने अपने शुरू की गंगा बहाई। लोग कजरी, लोकगीत व गजल के त्रिवेणी में गोता लगा रहे थे। गजल और अदब के जाने माने फनकार उस्मान मीर के गायकी ने लोगों को देर रात तक बांधे रखा। उस्मान मीर ने गजल और भजन से ऐसा समा बांधा कि लोग अपने जगह से हिले तक नहीं। ठंड के शुष्क मौसम में भी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गर्म रहा। आपको बता दें कि 2 दिवसीय चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव के पहले दिन का उद्घाटन पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर के कुलपति डॉक्टर राजेश सिंह, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के कुलपति डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, डीएम सिरसत कपिल अशोक, एसपी डॉक्टर कुमार आशीष समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर आगत अतिथियों को महोत्सव समिति ने स्वागत किया और सम्मानित भी किया। चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव के तरफ से महर्षि वाल्मीकि राष्ट्रीय सम्मान 2022 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को सम्मानित किया गया, जिसके तहत 1 लाख का चेक पुरस्कार के रूप में दिया गया। वहीं इसी साल से मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति दिवंगत प्रोफेसर वीरेंद्र पांडे की स्मृति में शुरू हुए पुरस्कार के लिए टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी का चयन किया गया था। सुधीर चौधरी के प्रतिनिधि ने पुरस्कार के 1 लाख का चेक ग्रहण किया।